इंडिया पाकिस्तान के बीच मेलबर्न में महा मुकाबले से पहले 23 अक्टूबर को मेलबर्न के वेदर रिपोर्ट गूगल पर टॉप सर्च में शामिल हो गई, क्योंकि दोनों देशों के क्रिकेट फैंस को चिंता है कि कहीं बारिश की वजह से इंडिया पाकिस्तान मैच रद्द ना हो जाए। कई फैंस तो मीम बना रहे हैं कि क्यों ना बारिश में ही मुकाबला करा दिया जाए, क्योंकि क्रिकेट फैंस को बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार है। इंडिया पाकिस्तान मैच का क्रेज इतना है कि मैच के टिकट कुछ घंटों में ही बिक गए थे, लेकिन क्या टिकट खरीदने वाले दर्शकों के पैसे वसूल हो पाएंगे? क्या इंडिया पाकिस्तान का मैच हो भी पाएगा? इसके लिए रोजाना लाखों लोग 23 अक्टूबर को मेलबर्न के मौसम की अपडेट गूगल पर चेक कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि खराब मौसम की भविष्यवाणी सही साबित ना हो। लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि वेदर रिपोर्ट के मुताबिक मैच में बारिश वाली रिपोर्ट में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। मेलबर्न में शाम 7 बजे और भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे से मैच खेला जाना है और मैच के समय के दौरान 80% बारिश की उम्मीद है। मैच होने की संभावना इसीलिए भी कम है क्योंकि पूरे दिन बारिश की भविष्यवाणी की गई है। ऐसे में अगर मैच से पहले बारिश होती है तो भी ग्राउंड को तैयार रखना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तो टिकट खरीदने वाले और टीवी पर मैच के मजे लेने के लिए बेताब 1 अरब से ज्यादा लोग वेदर रिपोर्ट के गलत होने की दुआ कर रहे हैं। आप इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।